सो यार कैसे हो आप लोग, मैं आ गई हूँ नई वीडियो लेके। तो भाई जो एक्टिवा ने जो नई अपनी स्कूटी निकाली है एच स्मार्ट, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो साथ में हमारे भाई हैं। हेलो भाई, नाम बता दिया आपने। मेरा नाम है श्री साई होंडा बरेली से। ओके, तो सबसे पहले तो ये आप एक ओवरव्यू ले लीजिए स्कूटी का। लुक वाइज तो कोई चेंज नहीं है इसमें, तो अब इसमें आप बता दी क्या क्या चेंज आया है पहले से। जो आए पहले के हिसाब से, पहले क्या था कि ये ड्रम व्हील में आता था, नॉर्मल व्हील में, अब ये क्या दिया अलॉय व्हील में। लुक बढ़िया सर, प्लस इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। जैसे हम पहले क्या थे, ओवर खाबर रोड में आसानी से निकल नहीं पाते थे जी, अब इसकी वजह से हम लोग आसानी से निकल जाते हैं। प्लस इसमें आपको रिमोट की मिल रही है साथ में। ये सबसे मेन जो इसका फीचर है वो है ये रिमोट वाला सर। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका पार्किंग वाला भी है, प्लस में की का है। जैसे पार्किंग वाला हम यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन देंगे तो ये इंडिकेट करेगा दो बार, हमें दूर से पता लग जाएगी गाड़ी यहाँ लॉक है या नहीं है, नहीं गाड़ी हमारी कहाँ पे खड़ी है। अच्छा अच्छा, कौन सी हमारी है। जी जी, प्लस ये चाबी का है। चाबी जैसे हम एक सेकंड दबाने का रेड से ग्रीन में आएंगे तभी इसका इग्निशन ऑन होगा, जैसे सेंसर मैच होते ही गाड़ी खुल जाएगी बस। अच्छा, इसमें पूरे ऑन में ये है, जिससे हम सेव लेके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और ट्रैफिक जाम में कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको फ्यूल सीट जैसे खोलना है तो इसमें हल्के से आपने ऑफ किया, एरो वाला जो निशान है फ्यूल सीट में करके, नीचे वाला आपका सीट का है, ये सीट अब ओपन हो गई। हाँ, और पीछे वाला फ्यूल टैंक है, ये वहीं से ओपन, दोनों एक ही साइड से दे रखे आगे से, और बाकी बंद अपने यहीं से हो जाएगा डायरेक्ट। अब सेल्फ पुश करना पड़ेगा इसमें। 110cc का इसका इंजन है। बाकी इसमें कलर वेरिएंट, कलर में क्या क्या मिल जाएगा। इसमें आपको ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, मैट ग्रे, सायरन ब्लू जो सामने खड़ा हुआ है, एक नया ब्लू आया है ये वाला। हाँ, जो प्रीमियम एडिशन में आ रहा था अब नॉर्मल में आ गया है। प्रीमियम वाली वो है बंद कर दी है ना, वो कुछ टाइम के लिए आई थी, उस टाइम के लिए आती है लिमिटेड एडिशन। बाकी इसमें दिखने में कोई भी फर्क नहीं है अपने पुरानी 6G में और इसमें, सेम है, बस लुक वाइज चेंज कर दिया है, प्लस रिमोट वाला। जैसे हम फोर व्हीलर में क्या था कि चाबी लगाना पड़ता, अब जो है विदाउट चाबी आ गई है, सेम वही एक्टिवा निकाल की तरह का। बाकी अब इसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिए, इसकी प्राइसिंग और 6G नॉर्मल वाली स्कूटी में कितना फर्क है। जो प्राइसिंग में नॉर्मल वाली में जो फर्क है वो लगभग 4000 का है। इसकी गाड़ी की एक्सशोरूम कीमत है 81,438 रुपए, और जो नॉर्मल डीलक्स है उसकी आ रही है 77,938 रुपए। ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड में देखे तो हम इसकी कीमत जो होगी वो 105,000 रुपए होगी कम्प्लीट, और डीलक्स की होगी 101,000 रुपए। ओके, 4,000 रुपए का फर्क है। तो अगर इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह अब मिलेगा किसी को, अगर कोई हो जाएगा बेशक आप शोरूम में आइए, ठीक है, तो आप मिलेगा डिस्काउंट इस पे हो जाएगा, ठीक है, 105,000 पे भी। बाकी दिखने में कोई भी फर्क नहीं है, बस मेन जो इसके हाईलाइट फीचर्स हैं वो एक कीलेस वाला जो है फीचर वो, और एक ये जो अलॉय व्हील दे रखे हैं, सस्पेंड टेलीस्कोपिक दे दिए हैं, फ्रंट में एलईडी लाइट है, बाकी इसका ये हेलोजन नहीं है, ये एलईडी लाइट दे रखी है। बाकी यही अभी तक 7G क्यों नहीं निकाली है अभी, इसके बारे में कुछ पता है आपको। 7G जो है ज्यादातर लोगों ने इसी को शो कर दिया है। हाँ, वो 7G के मतलब उससे यही निकाल रहे हैं, वो इसी को निकाला है उन्होंने 7G। लुक वाइज चेंज नहीं कर रहे, बाकी सब मतलब इसमें फीचर बढ़ाते जा रहे हैं। लुक वाइज चेंज करेंगे तो कस्टमर हमारा कट जाएगा, उनको यही चीज पसंद आ रही है। हाँ, सेम वही चीज पसंद आ रही है एक्टिवा। तो बस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए जो जो मतलब इसमें चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दिए। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसके बारे में जानकारी दी। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।